दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपने 12th साइंस मैथ्स के साथ पास किया है तो फ्यूचर में स्टडी करने के लिए आपके पास कौन से ऑप्शन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारा सबसे पहला कोर्स है बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये 4 ईयर का कोर्स होता है। इस कोर्स में की बहुत सारी ब्रांचेस है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। ये सभी कोर्सेज में बहुत सारे स्टूडेंट अभी पढ़ते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका बोर्ड का रिजल्ट या JEE का एग्जाम देना पड़ता है। IIT में एडमिशन के लिए JEE एडवांस की एग्जाम देनी पड़ती है। हमारा अगला कोर्स है BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ये कोर्स 4 ईयर्स का होता है। एडमिशन के लिए कई यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। कुछ यूनिवर्सिटी में बोर्ड के रिजल्ट के बेसिस पे एडमिशन मिल सकता है। बीटेक और बी दोनों कोर्स एक जैसे ही है, परंतु बीटेक में स्किल पे फोकस किया जाता है और बीई में नॉलेज पे फोकस किया जाता है। इस कोर्स में भी बीटेक की तरह कई ब्रांचेस होती हैं, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एक्सेट्रा। इस कोर्स के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम पास करके MA कर सकते हैं। बी से ज्यादा बेहतर कोर्स बीटेक है। हमारा अगला कोर्स है बी आर्किटेक्ट यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये 5 ईयर का कोर्स होता है। एडमिशन के लिए नाटा यानी नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर देना पड़ता है। एग्जाम काउंसिलिंग ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा लिया जाता है। ये कोर्स करने के बाद आप इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्चर डेटा एनालिसिस, आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन जैसे जॉब पा सकते हैं। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हमारा अगला कोर्स है BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कोर्स 3 ईयर्स का होता है। अगर आप अपना फ्यूचर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा कोर्स है। BCA के बाद आप MCA और MBA कर सकते हैं। एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम या बोर्ड के रिजल्ट के बेसिस पे होता है। हमारा अगला कोर्स है LLB यानी बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। अगर आप 12th के बाद LLB करना चाहते हैं तो ये कोर्स 5 ईयर्स का है, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ये कोर्स करते हैं तो ये 3 ईयर्स का होता है। एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। LLB करने के बाद आप कोर्ट एंड जुडिशरी में काम कर सकते हैं। हमारा अगला कोर्स है BMS यानी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए अच्छा है। ये कोर्स 3 ईयर्स का होता है। एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। हमारा अगला कोर्स है BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 ईयर का कोर्स होता है। अगर आप फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको काम आएगा। इस कोर्स में आपको बिजनेस के बेसिक के साथ मैनेजमेंट करना भी सिखाया जाता है। BBA के बाद आप MBA कर सकते हैं। इसका एडमिशन बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट और एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होता है। हमारा अगला कोर्स है बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये कोर्स PCM यानी मैथ्स वाले स्टूडेंट और PCB यानी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। ये कोर्स 4 ईयर्स का होता है। एडमिशन आपको बोर्ड के रिजल्ट या कुछ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे मिल जाता है। फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया इस कोर्स को रेगुलेट करता है। हमारा अगला कोर्स है BS यानी बैचलर ऑफ साइंस। ये 3 ईयर का कोर्स होता है। इस कोर्स की बहुत सारी ब्रांचेस है, जैसे BSc, PCM यानी मैथ्स वाले स्टूडेंट, BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, BSc मैथ्स, BSc एनिमेशन, BSc फैशन,
एक्सेट्रा। बीएससी के बाद आप एमएससी, एमबीए, बीए का कोर्स कर सकते हैं। एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है या फिर 12th के रिजल्ट के बेसिस पर आपको एडमिशन मिल सकता है। कोर्स है बीएससी ऑनर्स यानी बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स। ये 3 ईयर का कोर्स होता है। ये कोर्स बीएससी से एडवांस है। आप किसी भी सब्जेक्ट पे स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। हमारा अगला कोर्स है डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक। ये कोर्स 3 ईयर्स का होता है। ये कोर्स आप 10th या 12th के बाद कर सकते हैं। एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है या बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट पे बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है। इस कोर्स में भी बीटेक और बीई की तरह बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। डिप्लोमा के बाद आप बीटेक या बी कर सकते हैं। डिप्लोमा के बेसिस पे भी आपको जूनियर इंजीनियर का जॉब मिल सकता है। हमारा अगला कोर्स है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। ये 3 ईयर्स का कोर्स होता है। एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। ये कोर्स करने के बाद आपको होटल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउसकीपिंग, मार्केटिंग, फूड एंड बेवरेज जैसी जॉब्स मिल सकती हैं। इन सभी कोर्सेज में से आपको जो कोर्स पसंद आता है उसमें आप एडमिशन लीजिए और अपना ब्राइट फ्यूचर बनाइए।